हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप के बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हो मैग्नेट थिएटर। तो फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि हम कैन पट्टी जिसे बोलते हैं, जो कि हम नेट में यूजली यूज़ करते हैं, और ये आपको जो है जो मटेरियल शॉप है वहाँ पर इसका बहुत कम दिखता है। अगर आप सिटी में रहते हो तो ये आपको जो है मिल जाएगा इजीली। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि इसको जो है आप ख़रीद सकते हो अमेजन से। तो अमेजन पे आपको जाना है और जाके टाइप करना है हॉट हेयर बैंड, यानी कि अगर आप इस चीज़ को टाइपिंग करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। आने के बाद आप जो है अमेजन से मंगा के आप उसको कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको खोज के नहीं मिल रहा है तो लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी जो है ले सकते हो। तो ये एक्चुअली जो है नेट का जो गाउन बनाते हैं उसमें डिज़ाइन के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है, और इसी में जो है हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको जो है मैं कुछ सैंपल जो दिखा देता हूँ, जो कि आपको साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्लस इसको जो है मेरे पास अभी एक नेट है और नेट का गाउन है, उसमें जो है अटैच करके दिखाऊंगा। और बाद बाकी जो है रफल दुपट्टा अगर आप बनाते हो नेट का तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही जो है प्रीटी लुक आता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो चलो हम आपको मशीन की तरफ लेके चलते हैं। और तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो गाइस जो रेड कलर का बटन दिख रहा है आपको, उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अगर आप टेलरिंग रिलेटेड या डिज़ाइनर रिलेटेड पीसेज देखना पसंद करते हैं या फिर स्टिच करते हैं, आप अगर कोई टेलर हो तो ये जो है चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपको हर एक रिलेटेड वीडियो जो है सबसे पहले मिले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नेट को कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले नेट का जो बॉर्डर होता है उसको हमें कट करके निकाल देना है। क्यों निकाल देना है ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नेट का बॉर्डर को रखते हो तो नेट का बॉर्डर आप अक्सर देखोगे खींच के रहता है, यानी कि कपड़ा जितना नॉर्मली रहना चाहिए उससे देखोगे सीम करवा देता है। तो इसीलिए आपको कट करके निकाल देना है ताकि आपका नेट जो बराबर रहे। उसके बाद जो इसको हम फोल्ड करेंगे, आप अगर रफल स्लीव्स या फिर रफल बाजू या फिर रफल दुपट्टा यानी कि बनाते हैं तो आपको इस टाइप से फोल्ड करना है। आप अगर डबल बनाएंगे, ट्रिपल बनाएंगे, जो भी बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फोल्ड करना है। जैसे हम यहाँ पे फोल्ड कर रहे हैं, तो फोल्ड करने के बाद आपको चारों तरफ से माप के देख लेना है, मिडिल सेंटर करना है। मिडिल सेंटर करने के बाद आपको राउंड शेप देके चारों तरफ से कट करके निकाल देना है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम चारों तरफ से माप के देख रहे हैं, चारों तरफ से हमारा इक्वल है। तो इसके बाद होता क्या है कि हमें जो है इसको राउंड करना होता है। तो राउंड करने का सबसे इजी तरीका, अब मिडिल पॉइंट में चीटे पकड़ेंगे और इस टाइप से चारों तरफ से राउंड कर देंगे, क्योंकि इससे बेटर तरीका आपको मिल ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार जो है आपको जो है यहाँ पे जो है चौक की मदद से जो है मार्क कर देना है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मार्किंग जो है कंप्लीट हो गया। अब अगर आप बाजू बना रहे हो तो अंदर का सर्कल जो है, जो अभी छोटा सर्कल होगा, तो यहाँ पे आप अगर बाजू के लिए कटिंग कर रहे हो तो आपको आमहोल कितना है वो चीज़ देख लेना है। अगर आप दुपट्टा के लिए कटिंग कर रहे हो तो आप कितना फोल्ड किए हो, उतना फोल्ड में आपका सवा दो मीटर से ढाई मीटर का अंदर में लेंथ आता है कि नहीं, वो चीज़ को कैलकुलेट करना है। वो चीज़ को कैलकुलेट करके फिर आपको अंदर का हिस्सा कट करना है। तो यहाँ पे जो है हम बाजू भी नहीं बनाएंगे और दुपट्टा भी नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे आपको लास्ट में पता चलेगा, तो वीडियो के एंड में बताते हैं। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है आपको तो गाइस लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में अगर कोई भी दिक्कत होता है, यानी कि कोई भी समझ में नहीं आता कहीं पर, तो आप मुझे कमेंट बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करता हूँ और हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। तो यहाँ पे जो इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पे कटिंग हो जाता है, तो आप देख सकते हो कि एक गोलाई जो है हमारा कितना सुंदर तरीका से जो है यहाँ पे फिनिशिंग के साथ जो है यहाँ पे हमारा गोलाई कट हो चुका है। तो यहाँ पे हम गिन के दिखा देते हैं कि हमारा कितना पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ हम जो है 8 पल्ला में कटिंग किए हैं। कितना पल्ला में? 8 पल्ला में। तो ये आता है हमारा कैन पट्टी, जिसको बोलते हैं हॉर्स हेयर बैंड बॉन्डिंग, जो भी हो, बट यही है जो कि मैंने ऑनलाइन से परचेस किया है। और आप भी चाहते हो तो ऑनलाइन से अमेजोन से परचेस कर सकते हो। लिंक अगर आपको नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर चेकआउट करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ इस बेल्ट यानी कि एक कैन पट्टी से आप मतलब काफ़ी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो, राइट। इसको हम बाजू में भी लगा सकते हैं, इसको हम गाउन का घेरा में भी लगा सकते हैं, इसको हम जो है गाउन का घेरा को ऊपर में जो ट्राइंगल सा पट्टी रहता है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारा यूज़ है इसका,
तो इसको जो है हम अभी आपको नॉर्मली एक नेट में आपको ऐड करके बताएंगे, सेटिंग करके बताएंगे। देखोगे अब बिल्कुल ही जो है इस नेट का जो है लुक ही चेंज हो गया, सेटअप ही चेंज हो गया, और देखने में मतलब क्या बताइए आपको, मतलब इतना अच्छा लगता है आपको। लेकिन सेटिंग जो है बेस्ट तरीका से करना, अब जितना बढ़िया तरीका से फिनिशिंग के साथ करोगे उतना ही बेटर लुक आएगा आपका। तो ये आपको मैं आप एक बार जो है जूम करके दिखा देता हूँ कि खोलने के बाद ऐसा होता है। और जैसे कि राउंड आपको हम दिखाए कि कट करने के बाद ये हमारा लंबाई होता है, तो हमने कितने पल्ला में किया था, 8 पल्ला में, यानी कि 8 पल्ला में हमने यहाँ पे कटिंग किया था। तो ये हमारा जो है यहाँ पे 8 पल्ला को हम ज्वाइंट करेंगे, तो ज्वाइंट करके इसको हम एक लंबा सा बना देंगे। तो चलो अब सबसे पहले जो है हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपको पकड़ना है और नेट को दोनों को मिलाते हुए आपको जो है ज्वाइंट करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि हम ज्वाइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्वाइंट सारा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको देखना है कि नहीं हमारा ज्वाइंट कंप्लीट हो गया, इसका लंबाई हमें कितना चाहिए, हमें लंबाई उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें आपको चेकआउट करने के बाद जो है आपको सबसे लास्ट में जो है कैन पट्टी लगाना है। तो यहाँ पे जो है हमारा दूसरा ज्वाइंट भी है तो कंप्लीट कर लेते हैं हम। कंप्लीट करने के बाद जो है ये हमारा हो जाता है रेडी, और ये आता है हमारा कैन पट्टी, और ये कैन पट्टी को अभी जो हम लगाएंगे। तो लगाने का तरीका जो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, आप में से कोई भी लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको पकड़ना है, पकड़ के हल्का सा एक होल्ड करके आपको स्टिच मार देना है, और स्टिच मारने के बाद आपको और एक राउंड पलट के फिर दोबारा स्टिच एकदम लव पे मार देनी है। तो फिर ये आपका जो सेटिंग हो जाएगा जो कि आपका कैन पट्टी है। तो यहाँ पे जो है हम सेटिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि कितना इजीली जो है यहाँ पे सेट हो जा रहा है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हमें फेस नहीं करना पड़ता है। तो चलो इसी प्रकार जो है आपको सेटिंग करना है। और हाँ, इससे पहले आपको बता दूँ, आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट तो ज़रूर करना, साथ में जो है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि हर एक डिज़ाइनर बिजनेस के कटिंग होती स्टिचिंग की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि मैं इसी टाइप के डिज़ाइनर बिजनेस के कटिंग होती स्टिचिंग की वीडियो लेके आते रहता हूँ आपके लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा कैंकन पट्टी लगने के बाद यहाँ पे जो हमारा नेट का जो है लुक जो है चेंज होते जा रहा है, और भी चेंज होगा जितना ही मान लीजिए ये, जब तक हमारा प्रॉपर जो है लुक समझ में नहीं आएगा तो आपको तब तक कि आपको इसको कैंकन पट्टी को लगा के पूरा एंड करना है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लगाते जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो इसका लंबाई जो है, अब ये जो है मतलब अलग अलग शेप पकड़ लिया है, अलग अलग शेप पे भाग रहा है ये कैंकन पट्टी। ये नेट पे लगा देने के बाद ये अलग अलग शेप पे भाग रहा है, क्योंकि हमने इसको राउंड सर्कल पे कटिंग किया था। तो जैसे कि हमने बताया कि एक सिलाई मारने के बाद दूसरा पट्टी जो है मार के आपको लब पे सिलाई मारना है, तो अभी इसका मेन शेप आएगा। तो अभी जो हम इसको जो है डबल पट्टी मार रहे हैं, यहाँ पे आपको डबल पट्टी जो है लगा लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सिलाई मार रहे हैं आप देख सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, ये हमारा पूरा में सिलाई जो है कम्प्लीट तरीका से हमारा जो है कैन पट्टी यहाँ पे लग चुका है। अब इसको हम यहाँ पे हल्का सा जो है फ्रिल टाइप का बनाएंगे, यानी कि चुन्नट डालेंगे यहाँ पे। तो चुन्नट आप यहाँ पे देख सकते हो हम कैसे डाल रहे हैं, हम जस्ट आपको दिखा रहे हैं कि मतलब कैन पट्टी कैसे लगाते हैं, और इसको इससे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो है काफ़ी सारा सैंपल भी हमने आपको इससे पहले दिखाया, जैसे गाउन हो गया, ब्लाउज हो गया, लहंगा हो गया, ये हम काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हो। लहंगा का घेर में यूज़ कर सकते हो, नीचे आप मतलब कुछ भी। तो वो सारा छोड़ के मैं यहाँ पे जो है आप उसे मतलब कुछ अलग ही डिफरेंट टाइप का जो है आपको मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आप बने रहना वीडियो के अंत तक ताकि आपको पता चल सके। तो यहाँ पे हम इसको चुन्नट मार रहे हैं, और चुन्नट मारने के बाद जो है कंप्लीट होने के बाद आपको हम बताएंगे कि मतलब एक्चुअली बना क्या और हम आपको बस दिखा क्या रहे थे। तो ये इसी तरीका से जो है आपको कैंकन पट्टी लगाना है, और लगाने के बाद आप क्या बनाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका दिमाग में क्या डिज़ाइन चल रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है आप अगर नेट का कुछ बना रहे हो, हैवी गाउन लहंगा वगैरह, तो आप बिल्कुल भी इसको
मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपका लुक और भी बेटर से बेटर बना सकता है। तो ये जो है हमारा, इसी तरह तरीका से हम पूरा को जो चुनर डाल रहे हैं अभी फटाफट सारे को चुनर डाल के इसको जो कंप्लीट करेंगे तो मोटा मोटी हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। तो ये जो है मेरा चुनर डालने के बाद इस टाइप से जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसका लुक देख सकते हो कि मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब एक यूनिक सा लुक, अलग सा। तो इसको जो है हम एक जगह करके देखते हैं कि एक्चुअल में बन क्या आता है। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो जितना ही एक साथ हो उतना ही मतलब इसका लुक जो है मतलब अलग 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 शेप ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा फूल जैसा जो बन के रेडी होगा। तो इसमें जो है हमने चौड़ाई जो है काफ़ी सा लिया है, जस्ट आपको समझाने के लिए। आप अगर इसी टाइप का फूल बनाना चाहते हो तो इसका चौड़ाई अगर कम लेते हो और इसी प्रकार ये करते हो, तो आप अगर बच्चा का ड्रेस में लगाना चाहते हो तो आप इसे लगा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे इस गाउन में आपको अटैच करके दिखाया। तो गाइस वीडियो कैसा लगा बिल्कुल भी कमेंट करके बताना ना भूलिए। आप अगर चैनल में नया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको मिले। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।